अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सब लोग के? ठीक ठाक हैं? तो गाइस सीन इस तरह से है, सीन इस तरह है कि सेंटेंस से गाइस आप लोगों का कुछ ना कुछ महसूस जरूर हुआ होगा कि ये कोई पुराना व्लॉगर है जो कि हाइबरनेशन के बाद दोबारा से स्टार्ट हो गया अपनी व्लॉगिंग पर। तो गाइस सीन इसी तरह से है, हम लोग दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस आ गए थे हमारे पास, ठीक है, बस हम लोगों को जो व्लॉगिंग है वो क्विक करनी पड़ी। लेकिन आपका भाई अब दोबारा से आ गया है व्लॉगिंग की दुनिया में। तो एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज अब सीन इस तरह का है, सीन इस तरह का है कि गाइज हम लोगों ने ले ली है अपनी कार ले ली है अब हम लोगों ने, तो उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी मॉडिफिकेशन करवानी है। तो गाइज अभी सीन इस तरह का है कि गाड़ी का जो जरा नंबर प्लेट वगैरह लगने गई है, तो जैसे हम लोग आएगी तो हम उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करवाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। और साथ ही साथ अब हम चलते हैं सोने, क्योंकि काफी देर हम लोगों ने ऊंचा बोल लिया है। सीन इस तरह के हम गाड़ी का काम शाम कराने आए थे और हमें फुरकान भाई मिला और ये गाड़ी का काम शाम और ये काले शीशे करानी है इसके। फुरकान भाई ने कहा कि गाड़ी का काले शीशे कराने का गिफ्ट मेरी तरफ से। झूठ बोल रहा है। अभी हमारे काले शीशे हो गए, इसके बाद ये कहते हैं हमने ट्रेड खानी है अमर भाई से KFC है। यार ऐसे नहीं कर जाए, अभी गाड़ी तैयार होगी, इसके बाद ये कहते हैं हमने इसमें लाइटें भी लगवानी है, स्पॉइलर भी लगवाना है, बाकी अभी यार ये जो लाइट लग रही है पुलिस वाली ये भी लगवाएं। नहीं मैं नहीं मानता। हटे क्या बात। तो गाइस सीन इस तरह है कि काले शीशे वगैरह हमने करा लिए हैं, आगे हमारा फुरकान भाई जा रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। बहुत अच्छा बंदा है यार, उसने काफी ज्यादा टाइम दिया हमें, हालांकि उसका काम कोई नहीं था लेकिन फिर भी उसने कहा चलो भाई अगर गर्मी में खड़े तो वो भी खड़ा रहेगा। वो देखें आप, वो जा रहा है स्पीडो स्पीड, काली टोपी पहनी हुई है भाई ने अकेले ने। सब सीन इस तरह का कि मैं आ गया सीढ़ी 70 पे और ये भाई को मैंने कहा कि चेक करे जरा काले शीशे गाड़ी के, पकड़ मेरे को जानता नहीं। सही है, अब ये जाएगा गाड़ी पे, हम जाएंगे बाइक पे। कान सुन कर दिया अगले ने मेरे, कमाल कर गया ये। चलो ठीक है सर, मुझे आपकी बाइक ड्राइव बहुत अच्छी लगी, दो दफा आप हम मारने लगे थे। हाँ भाई मार भाई गया बाइक चला रहा था इसके से, मुझे पता चला आगे लगी थी गाड़ी मेरे का बाइक, गाड़ी मेरे बगल ही बाइक गई। चलो ठीक है यार, मजा आ गया भाई। तो गाइस फाइनली सीन ये है कि हम लोग घर आ गए यार, हम लोगों ने गाड़ी का थोड़ा सा बहुत काम शाम था वो करवा लिया। अब मैं आप लोगों को सुबह उठ के दिखाऊंगा कि गाड़ी किस तरह से लग रही है। थोड़े बहुत स्पेसिफिक से काम थे, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस हल्का फुल्का होता है काम। बाकी अब सीन ये है कि आपको मैं रात को तो नहीं दिखा सकता, सुबह टाइम आपको दिखाऊंगा ये गाड़ी किस तरह से लग रही है। अभी सीन ये है कि बस अभी हम जाके सोते हैं, सुकून करते हैं। आपको मैं बाहर जाके बल्कि जुगनू दिखाता हूँ गाइस, बाहर हमारे लॉन में जुगनू आते हैं इस टाइम, तो मैं आप लोगों को जुगनू दिखाता हूँ और फिर आप लोगों से सुबह मिलता हूँ। भाई लोग आज का सीन ये है कि आज है 10 सितंबर और आज बच्चों का है एंट्री टेस्ट। अपना जो छोटा भाई है मोमिन, उसका भी है एंट्री टेस्ट, आपको मैं दिखाता हूँ। वो बैठा पढ़ रहा है अपना फुल लगन से। कैसी तैयारी भाई जान आपकी? अच्छी तैयारी है भाई जान, ऐसे बैठे जैसे डॉक्टर साहब नहीं होता पेन लेकर बैठा होता है। तो गाइस देखते हैं मोमिन भाई आज हमें टक्कर दे पाते हैं हमारे नंबरों को कि नहीं। आपके भाई के गाइस एंट्री टेस्ट में थे 145 out of 200 गाइस, आउट ऑफ 200। और ये भाई देखते हैं हमारे नंबरों को टक्कर दे पाता है कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस टाइम बैठा पढ़ रहा है कि यार नंबर टक्कर देनी है भाई ने मेरे नंबरों को। गाइस लिटरली आपके भाई का मजाक नहीं है, 200 में से 145 नंबर लिए थे मैंने। कैसे लिए थे? जैसे बंदा लेते हैं वैसे लिए थे ऑफ कोर्स। नहीं तो क्या, चले आइए गाइस फिर अब आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी इस तरह की है।
भाई लोग अभी सीन इस तरह का है कि यार अनाया आई है हमारे घर, अनाया को मस्ती सूझ रही है और अभी हमने इसके साथ जा रहे हैं जरा कुछ सामान लाने बाहर से। अभी सीन इस तरह का कि यार हम लोग जरा घर के काम शाम करने आए हैं डीवर के साथ। कुकू ये देखो गाइस, वो जरा गैस वगैरह भरवानी थी हमने सिलेंडर में, डीवर हमारे साथ है गाड़ी में, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलो डीवर चलते हैं फिर जरा एंजॉय मारने। कुकू डीवर मेरे साथ आ गया है। गाइस सीन इस तरह का कि गैस वगैरह है वो भर रही है, तब तक हमने कहा क्योंकि ना हम पानी शानी भरते हैं, डीवर को थोड़ी मौज मस्ती करा दें क्योंकि डीवर भी खुश हो जाए। लेकिन कुकू जो है अपने ब्लॉक्स के साथ ही खेली जा रही है, घंटा हो गया डीवर। फोटो इधर देख लो, जरा इधर देख लो, चुचू वाला डीवर है मेरा कुकू। कुकू अपनी छोटी बहन का नाम ले लिया, इसका नाम आइस। कुकू वो देखो बस, बस देखो डीवर, हम बस से जीत जाएंगे। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, तो बस से जीत गए। भाई सीन इस तरह का कि मैं तो जो हुनर हो गया था, उसके बाद मोमिन भाई खुद ही अकेला चला गया था एंट्री टेस्ट देने। अब वो आ गया, उससे पूछते हैं क्या बना उसका एंट्री टेस्ट का। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब टेस्ट कैसा है? अच्छा हो गया। तासुरात तो अपने बयान करें यार, बहुत बुरा हुआ ऐसे आप हाथ छुपा रहे, बता दो कैसा अच्छा हुआ यार, ना कैसा हो गया? अच्छा हो गया, रात को पता चल जाएगा, रात को पता चल जाएंगे नंबर। हाँ चलो टक्कर दे पाओगे आप हमारे नंबरों को? भाई लगा पड़ा, देखते हैं उमर भाई के नंबरों को टक्कर दे पाता है कि नहीं। तो गाइस अभी का सीन ये है कि यार अब हम जाएंगे बाहर, शाम हो गई है, फ्रेश हो गए हैं, सुकून माहौल में आ गए हैं, अब चलते हैं बाहर। एक दो दोस्त और भी हैं जिन्होंने दिए हैं एंट्री टेस्ट, उनसे पूछते हैं उनके तासुरात। तो गाइस इस तरह के कि वहील भाई को हमने पिक कर लिया था और खाना शाना हमारा आ गया। वहील भाई कैसा हुआ आपका एंट्री टेस्ट? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसा छोड़ दो, अभी बस खाने में फोकस करो हैं। अल्लाह हाफिज।